2017 से आप सब लोग जानते हैं गुजरात विधानसभा से कांग्रेस जन्मी है। उनको लगा है हमारा पुनः जन्म हो रहा है, इसलिए राम राम का नाम कर ले। एके एंटनी ने बोला था हिंदुओं को साथ में लेकर चलो, क्योंकि कृष्ण और सिर्फ तुम क्रिश्चियनिटी को मुस्लिम्स को लेकर चलोगे काम नहीं बनेगा। तो एके एंटनी बोले हिंदुओं को साथ में लेकर चलो, और वही हो रहा है। अभी क्या कर रहे हैं ये जो चुनवी हिंदू हैं, ये पैदा हो गए। अब चुनवी हिंदू पैदा हो गए तो अचानक से इनको याद आ गया कि हमें मंदिर भी जाना है। अरे मंदिर जाना है तो अब ये याद आ गया कि जब कांग्रेस के टाइम पर ये जो बोलते आए कि हम राम मंदिर बनाने की सब लोगों ने बात करी, वो राम मंदिर बनाई नहीं, वो राम मंदिर बनाई नहीं। कोर्ट की डेडीरी आती थी, इनका पता ही नहीं चलता था। जब हम लोगों ने बात करी तो इन लोगों के एफिडेविट आ गए। तो राम मंदिर बनाया किसने? राम मंदिर बनाया भाजपा ने, राम मंदिर बनाया मोदी ने, राम मंदिर बनाया एक हिंदू ने। तो आप बात करते हैं आज ये लोग यहाँ पर आकर, चुनवी हिंदू जो अपने आप को कहते हैं कि मुसलमान पार्टी है, मनमोहन सिंह ने कहा था। देखिए मैं हाईली ऑब्जेक्ट करता हूँ इनकी बात का कि राम मंदिर बोले मनमोहन सिंह ने क्या कहा था बता तो दूं मैं। अच्छा एक मिनट, मनमोहन सिंह ने क्या कहा? एक मिनट राजेश, मनमोहन सिंह बोले थे कि जब यहाँ पर सबसे पहले मुसलमानों का हक सबसे पहले आएगा। ये कौन सी पार्टी का थे मनमोहन सिंह? कांग्रेस की थी। ठीक है, ठीक है अरोड़ा जी। इनके पास में घूम फिर के कोई टॉपिक नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, देख लिया। वो तेजस्वी साहब ने कहा है, मैं तेजस्वी साहब ने कहा। मेरा ये कहना है कि मैं सख्त एतराज करता हूँ इस बात में कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? ये कहते हैं पहले डेट आती रहती थी, तो डेट ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट को ये गाइड करते हैं इसका मतलब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को बाद में राज्यसभा भेज देते हैं। देखा ना, राज्यसभा भेजेंगे, गवर्नर बनाएंगे, ऐसे तो इनके काम है। इतना मजाक बनाना जिन जजों ने वो डमेट दी। एक मिनट रुक जाओ, आपकी बात सुन ली ना, आपको बोलने दिया गया, आप हमको बोलने दो। ये देखिए यही तरीका है, कोई गलत नहीं बोला आपने। राज्यसभा भेजोगे जजों को रिटायर को, जब उनसे फैसला लो, उनको डराओ, उनकी फाइल निकाल लो, उनको गवर्नर बना दो। मजाक बना के चले जा रहे हो आप देश का, क्या कर रहे हो आप देश का? और मंदिर आपने नहीं बनाया, इस देश में राम थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारे बाप की बात समझ नहीं है। राम राम तो तुमने लेके आए, राम को राम या थे राम या रहेंगे, ये नहीं लेके आए राम को। मैं बता दूं, मैं एक बार ये राम से कोई लेना नहीं है, राम से ये राम तो बेचते राम की दुकान छोड़ रखी है। ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो लोग कह रहे हैं कि राम थे, राम है और राम रहेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। आज अस्पताल और स्कूल की बात करते थे, आज राम की बात कर रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है राम की बात। मैं अभिषेक सुमन हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं कहना चाहूंगा इस देश में, एक मिनट को आराम से। भाई 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 राजेश 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 आराम से, राजेश आराम से। अरुण जी राजेश आराम से, खुला खुला आराम से, आराम से आराम से आराम से। ये चीन मार नहीं राजेश, ये जनता है। राजेश 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 ये राजेश जी गलत बात गलत आराम राजेश। मैं कह रहा हूँ अभी पीछे 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 पीछे, मैं पहली बार नहीं आया, मुझे पता कौन जनता है कौन नहीं है। राजेश राजेश तरीका है, नहीं नहीं ना ना दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट, नहीं पीछे पीछे बैठिए बैठिए, चलो पीछे पाजे भाई चलिए बैठिए, लो लो राजेश कहते हैं भाई आराम आराम से आराम से आराम से। वो विधायक हैं, एक मिनट राजेश जी, राजेश जी आप ही, राजेश जी प्लीज लिसन मी, राजेश जी प्रियंका सॉरी राजेश जी, राजेश जी पानी पियो पानी पियो। राजेश साइलेंस 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 साइलेंस
फाजिल भाई, दिस इज आपकी आखिरी है ये डिबेट, और मैं कह रहा हूं आखिरी है, बैठ जाइए आप। राजेश, आपने कहा कि क्या राम तुम्हारे बाप के हैं, ये सेंटेंस आपने बोला था। गुप्ता जी वहीं बैठ जाइए, अंतिम अंतिम डिबेट होगी इंडस्ट्री की आपकी, चुपचाप बैठ जाइए वहीं। राजेश जी, आप कहते हैं कि ये क्या आम आदमी है, क्यों? अगर ये पूछ ले आपसे कि हम कह रहे हैं, राजेश ये सैकड़ों बार पूछेगा, राजेश ये सैकड़ों बार पूछ सकता है। राजेश तर्क से मत डरो, राजेश लॉजिक से मत डरो, राजेश राजेश डर लगता है क्या? तो राजनीति पे क्यों आए? डर लगता है तुम्हें? डर लग रहा है अब? राजेश चुपचाप रहना, राजेश तो राजेश राजेश एक बात सुनो, राजेश डर क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम विधायक हो, मैं ये कहूं, इसने अगर पूछ लिया, इसने आपसे पूछ लिया कि आपके विधायक ने कहा था मंदिर नहीं अस्पताल बनाओ, तो क्यों डर लग रहा है आपको? आपको क्यों डर लग रहा है? अगर राजेश इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं राजेश राजेश मेरी बात सुनो, फिर मैं आपकी सुनूंगा, राजेश फिर सुनूंगा, मैं सुनूंगा राजेश। अगर लॉजिक है कहीं, अगर वो लॉजिक कहीं भी मौजूद है और मेरे विपक्षी के पास भी है, और अगर वो अनेत्र चैनल, तो मैं लेके आऊंगा मेरा विपक्ष। राजेश राजेश सुनो, राजेश मेरा विपक्ष, मेरा विपक्ष, राजेश तुम्हें सुनना ही नहीं है, बना लो रितु लो, मेरा विपक्ष मेरा विपक्षी चैनल भी हो सकता है, और मैं उससे भी पूछूंगा अगर उसके पास लॉजिक है, उसके पास भी अगर लॉजिक है तो मैं पूछूंगा उससे। और इसके पास लॉजिक था कि आपके विधायक ने कहा कि यहां मंदिर नहीं अस्पताल बनना चाहिए, तो डर लग गया क्या तुम्हें? तो सवाल का जवाब दो, तो क्यों रोक रहे हो किसी को बोलने से, क्यों रोक रहे हो? अब तुम बोलोगे, हम ये कह रहे हैं, पहली बार आपने खुद कहा आपने इसको डिबेट से बाहर निकाला था क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करता है, मैं पहली बार यहां आया नहीं, आप जानते हो, इस आदमी से आपने तीन बार बुलवाया, मेरा सवाल इस बार मैं चार बार बुलवाऊंगा जब मेरी बार, आप दस बार बुलवाओ, लेकिन आपने मुझे भी बुलाया ना, मैं भी जवाब दूंगा ना, तो दीजिए ना, मेरा ये तो आपके विधायक ने कहा यह मंदिर नहीं जहां अस्पताल बनना चाहिए, जवाब दो। मैं ये कह रहा हूं, जवाब दो ना, मैं आपसे कह रहा हूं, कोर्ट ने फैसला दिया, जवाब दो। मैंने कहा कोर्ट का फैसला मैंने माना, ये कोर्ट का फैसला भी नहीं मान रहे, जवाब दो, जब मैंने कोर्ट का फैसला मान रहे हैं, ये तो रहे कोर्ट का फैसला हमने माना,